आज हमारा नवप्रभात कृति फ्रेंड्स क्रिएटिविटी क्लब ग्रुप रांची के लक्ष्मीबाई पार्क में वीरांगना लक्ष्मीबाई की पुण्य स्मृति पर दीपावली प्रज्वलित करने के लिए यहाँ पर एकजुट हुआ है। और आज हम अपने शब्दों के माध्यम से देश की बहादुर बेटी की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। कि सखियों, लक्ष्मीबाई मर्दानी थी, लक्ष्मीबाई मर्दानी थी, पौरों से युद्ध रचाए, पीठ बांध बच्चे को नारी गढ़ में उतनी जाए, गढ़ में उतनी जाए। यानी कि एक भारतीय साधारण युवा महिला जिसके पति और बेटे की अभी चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी कि अचानक से उसके राज पर भारी संकट आ पड़ता है, सृंगी आक्रमण करते हैं। तो उन विषम परिस्थितियों में वो मर्दानी महिला रणचंडी का रूप धारण करके अपने मुख में घोड़े की लगाम दबाए गढ़ में उतर पड़ती है और अंग्रेजों के साथ इकट्ठे कर देती है, उनका लहू बहा देती है और हजारों फिरंगियों का संघार कर देती है। उतरती है उसके सामने से एक प्रश्न होता है कि या तो वो आत्मसमर्पण करे या फिर अपने स्वाभिमान की, अपने राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा करे। तो उन स्थितियों में वो अपने स्वाभिमान की रक्षा करना अपना परम दायित्व समझती है, अपना धर्म समझती है। और उसी के चलते वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को भीषण युद्ध करते करते अंत में वीर गति को प्राप्त हो जाती है। परंतु जाते जाते हम सखियों के लिए, हम बहनों के लिए ये इतिहास के पन्नों में ये फरमान लिख जाती है कि जीवन में कभी भी यदि कोई आपके बहुत बड़ा संघर्ष आए तो उन स्थितियों में सदैव अपने आत्मसम्मान और अपने स्वाभिमान को ही छोड़ें। हम अपने हिस्से का कर्म करें, अपनी कमजोरियों को अपना हथियार बना लें, फिर चाहे जीत मिले या हार मिले कोई मायने नहीं रखता है। जब कभी आपको ऐसा लगने लगे कि जीवन में हमारा ऐसा कठिन समय आया है कि दुखों के काले बादल हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं, चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई नजर आ रही है, उस वक्त देश की वीर बेटी की जीवन यात्रा का एक बार जरूर स्मरण कर लीजिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा कि किस तरह से इस बहादुर बेटी ने अपनी मुट्ठी पर सेना लेकर दुश्मन के विशालकाय सेना में अपने घोड़े बादल के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी निडरता के साथ, पूरे जोश के साथ छलांग लगा। बच्चों, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जैसी महान विदुषी पृथ्वी पर आज तक ना हुई है और अभी वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा कि उसके जैसी कोई वीर महिला सामने आए। इसलिए नेतृत्व देने वाली वीरात्मा को श्रद्धा सुमन के साथ दीपांजलि प्रज्वलित करते हुए हम उसे कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वीर रानी अमर रहे, वीर रानी अमर रहे, अमर रानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर रानी अमर अमर रहे, अमर रानी अमर रहे, वीर रानी अमर रहे, अमर रानी अमर रहे, अमर रानी अमर रहे। उसने अपना सर्वस्व देश प्रेम के लिए न्यौछावर कर दिया और वे शहीद हो गए। आज उनके बलिदान के लिए कोटी कोटी नमन है, श्रद्धा सुमन करें। आप सभी सखियां यहाँ पर हम सब जो रानी लक्ष्मीबाई बनकर आई हैं उनके लिए भी यह सोचिए कि हर नारी में एक वीरांगना है। यही सोचकर विशेष आभार है इनकी तरफ से, उनका सबसे पहले सम्मान। आइए, 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 आइए।
कहना चाहूंगी, वीर रानी अमर रहे, वीर रानी अमर रहे। वीर रानी अमर रहे, अमर रहे।